उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बुधवार से नामांकन शुरू हो गया है और साथ ही इसके उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाने वाली एनडीए अब उपराष्ट्रपति के लिए किसके नाम पर मुहर लगाती है और विपक्ष किसे खड़ा करता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। खबर है कि एनडीए की तरफ से मुस्लिम समुदाय से 3 और सिख समुदाय से 1 नाम की चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, पूर्व केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर विचार किया जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि एनडीए के पास अपने उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त वोट हैं। बता दें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है और अगले उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे।